देखो भैया मुझे ये सलवार दिया है। बहुत अच्छा है, मेरे लिए भी एक साड़ी लाया है, दिखाओ ना। वाह भाभी ये साड़ी तो मस्त है, लेकिन तुम्हारे भैया का दिमाग नहीं। मेरे भैया के बारे में कुछ मत बोलो, मेरा भैया बेस्ट है। सिर्फ साड़ी लाया है, उसके मैचिंग नेकलेस और चूड़ियां भी तो लाना चाहिए था ना। अभी ये क्या है, ब्लाउज पीस, इससे नेकलेस बन जाएगा। अगर आपको भी देखना है ना तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो और नए नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। पहले किस तरीके का ट्रायंगल शेप का कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लो और इसे ड्रॉ किए हुए पार्ट के अकॉर्डिंग काट लो। देन एक किस तरीके का फैब्रिक लेकर उसे ऐसे लंबा करके कट कर लो। देन इस लंबे टुकड़े को मिडिल से कट कर दो। देन एक वुलन थ्रेड ले लो और उससे ऐसे छोटा टुकड़ा निकाल लो। अब सेम तरीके से बहुत सारे निकाल लो। देन पहले वाला कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लो और हॉट ग्लू की मदद से उसके आउटर पार्ट पे ऐसे वुलन थ्रेड को लगाते जाओ। देखो ऐसे ही आउटर साइड को पूरा कवर अप करने के बाद उस कटे हुए फैब्रिक को ले लो और हॉट ग्लू की मदद से उससे कार्डबोर्ड के इस साइड को अच्छे से कवर अप कर लो। अब चुटकी से इस साइड को भी कर लो। नेक्स्ट फैब्रिक के ऊपर ग्लू लगा के इस तरीके का कुछ स्टोन्स एंड शेल्स लेकर डेकोरेट कर लो और एक ऐसा हुक लेके उसे इस फैब्रिक के अंदर फंसा दो और उसमें सेट कर दो एक इस तरीके का चेन। देन सेम तरीके से इस साइड का भी कर लो। तो देखो हमारा ये वी शेप साड़ी का मैचिंग नेकलेस तैयार हो गया। One hour later. इधर आ। क्या हुआ? हर टाइम तो ऐसे मेकअप क्यों करती है? और पार्टी है, पार्टी में सब कुछ लगाए क्यों नहीं है? अरे यार मैं सब कुछ ही लगाती हूँ। प्राइमर, कंसीलर, मॉइस्चराइजर, कलर कर। अरे रुक जा रुक जा रुक जा। अब पता चला कि तेरी मेकअप के टेक्निक में एक होता है। क्या? तू टाइम नहीं देती है। टाइम मतलब मैं तो सब एक एक करके पटाख से लगा लेती हूँ। वही तो, इसलिए तो तेरी मेकअप केकी हो जाती है। तो क्या करूँगी यार, मेरा ट्रिक यूज कर ले। अगर हमें कहीं जाना होता है पार्टी शार्टी में तो हम एक साथ सारे मेकअप ठूस लेते हैं और हमारा मेकअप हो जाता है केकी। तो इससे बचने के लिए एक वेट वाइप्स लेकर इस मेकअप को पोंछ लो, फिर अप्लाई कर लो मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद बारी आता है प्राइमर की, पर हम प्राइमर अभी नहीं लगाएंगे, कुछ देर वेट करेंगे। तब तक हम अपने आईब्रोज को सेट कर लेते हैं। तो आईब्रो सेट हो जाने के बाद हम अभी लगाएंगे प्राइमर। प्राइमर लगाने के बाद फिर से हम 2 से 4 मिनट तक वेट करेंगे, तब तक अपने आई को कंसीलर से अच्छे से कंसील कर लेते हैं। तो मैं दोनों आंखों में कंसीलर को लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी और फिर अब लगाओ फाउंडेशन। लेकिन फाउंडेशन को ऐसे डैब डैब करके ही अप्लाई कर लेना है, घिसना मत। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए मेकअप करोगे तो आपका मेकअप केकी नहीं होगा। मेकअप आर्टिस्ट आई है। हाँ, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वो लोग रीता को सजाएंगे। हाँ यार, स्मोकी लुक करेंगे, उम्र लिपस्टिक लगाएंगे। उम्र लिप्स मुझे भी पसंद है यार, मैं करूँगी। यार उम्र लिप्स मुझे भी पसंद है पर बहुत ज्यादा टफ है, हमसे ना होगा। तो फिर उसके सामने तो हम काम वाली बाई दिखेंगे। हमें उम्र लिप्स करना है और अच्छे भी दिखना है, पर कैसे? चल मेरे साथ। अगर आपको भी उम्र लिपस्टिक पहनना पसंद है तो जो डार्क शेड है ना उसे अपने सुंदर होठों में लगा लो, फिर उम्र इफेक्ट देने के लिए ले लो कंसीलर। पर यहाँ पे लाइटर शेड वाला कंसीलर लेना, बस जैसे मैं कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से करो। और फिर दोनों होठों को अच्छे से मलो और एंड में थोड़ा सा टचअप कर लो, मतलब साइड से और एक बार लिपस्टिक को टचअप कर दो। देखना उम्र लिपस्टिक एकदम रेडी हो गया। बस एक ही लिपस्टिक से उम्र इफेक्ट आ गया। छोटी, तेरे पास ग्लिटर लाइनर है ना, देना मुझे।
नहीं है मेरे पास, हमेशा भीख मांगने आ जाती है, जा यहाँ से। कल पार्टी में क्या करूंगी, अब कैसे सुंदर आइलुक बनाऊंगी। ओह ये हाँ, इसे कर लेती हूँ। पार्टी स्पेशल आई लुक के लिए पहले इस तरीके का एक फ्लफी ब्रश लेकर पिक कर लो पिंक कलर और आईलिड के ऊपर के पार्ट में ऐसे ब्लेंड करना स्टार्ट करो। देन पिक कर लो वायलेट एंड ब्लू कलर और उसे आउटर कॉर्नर में ब्लेंड करना स्टार्ट करो। देन एक इस तरीके का फ्लैट एंगुलर ब्रश में कंसीलर लगा लो और क्रीज को हाफ ऐसे कट कर लो। देन ब्लेंडर की मदद से थोड़ा सा ब्लेंड कर लो। देन इस तरीके का एक थिन ब्रश लेके पिक कर लेंगे ऐसा ग्रीन कलर और ऐसे आईबॉल के ऊपर ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे। देन उसी ब्रश में पिक कर लो इस तरीके का एक नियॉन शेड और उसके सामने ब्लेंड कर लो। देन पिक कर लो येलो शेड और उसे इनर कॉर्नर में ऐसे ब्लेंड कर दो। देन व्हाइट काजल लेके उसे लोअर वाटर लाइन पे लगा लो और ऐसे स्मोक आउट कर लेंगे। देन लाइनर ले लो और ऐसे लाइनर को लगा लो। देन ले लो इस तरीके का ग्लिटर और ऐसे क्रीज के ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करो। चलो अब लास्ट में मस्कारा लगा लेते हैं। अब चुटकी से इस साइड का भी कर लेती हूँ। देखो अब जादू से लैश लगाने के बाद आप लोग ही बताओ पार्टी परफेक्ट आई लुक हुआ है कि नहीं। कल शाम को ये ड्रेस पहनकर जाऊंगी। हाँ, इसके साथ ये इयर रिंग बहुत अच्छे से जाएगा। रिया बेटा इधर आ तो जरा। हाँ मम्मी आई। A few moments later. किसका है ड्रेस? सुंदर है। कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। दिखा ही होगा। यहाँ पे तो देख नहीं सकती हूँ, जाके मिरर में देखती हूँ। वाओ कितना सुंदर लग रहा है मुझे। ओह नो ये तो टूट गया, अब तो दीदी मुझे। ओह नो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों में हाथ लगा ली। सॉरी दीदी आगे से नहीं होगा। अब मुझे ऐसा ही इयररिंग चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। पर दीदी मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो तू हाथ क्यों लगाई, कल मैं क्या पहन कर जाऊंगी, वही पुराना इयररिंग। कल तो यही इयररिंग पहन कर जाएगी। देखो अगर इयररिंग के ये वाला पार्ट टूट जाए ना तो उसे फेंको मत। इस टाइप का जो सिंगल स्टोन का इयररिंग होता है उसे ले लो और फिर इयररिंग के यहाँ पे जो होल है वहाँ पे इसे डाल दो और फिर पुश बैक लेकर सिक्योर कर दो और क्या, इस इयररिंग को पहन लो। अगर आपके पास स्टोन वाला नहीं है तो आप इस टाइप का भी इयररिंग यूज कर सकते हो। देखा पुराना इयररिंग भी रीयूज हो गया ना। मेकअप ठीक से नहीं करना आता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो सोच क्या रहे हो भाई, जल्दी से ये जो लाइक का बटन है ना उसे दबा दो और शेयर भी कर दो थोड़ी बहुत फ्रेंड्स के साथ और प्यारे प्यारे कमेंट भी करना ताकि हमें एंथू मिले और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से कर दो।